नमस्कार। डोगरी खबरें इस बुलेटिन तुंदा सबने दा स्वागत है। मैं राजकुमार सबने थमां पहले आओ नजर पाचे आज दी खास खबरें पर। अज रियासता च बख बख थारे होए दे त्रों सड़क हादसें च 13 जने दी मौत ते 9 जख्मी। गवर्नर होरें हादसे च होए दे जानी नुकसान पर दुख दा कीता इजहार। गृहमंत्री अमित शाह होरें श्रीनगर च एक उच्च सतह की बैठक दौरान रियासता की कानून व्यवस्था की स्थिति का लैता जायजा। सांबा जिले च भारत पाकिस्तान बनने पर लगने वाला ऐतिहासिक बाबा चमलियाल मेला अज थमां शुरू। हुण खबरां विस्तार कन्ने। मुगल रोड पर पीर की गली च शोपईयां कोल अज एक सड़क हादसे च 9 कुड़ियां सने 11 जने की मौत हो गई ते 7 होर गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा उसले पेश आया जिसले जिले के लाल गुलाम क्षेत्र च सुरनकोट थमां हीरपुर जा एक टैंपू ट्रैवलर सड़क थमां रुलकीए डूंगी खाई च डिगी पिया। हादसे की खबर थोंदे गए मुकामी लोगों जख्मियों की शोपईयां के जिला अस्पताल पहुंचाया जिथे 4 जख्मियों की गंभीर हालत की देखते हुए उन्हें श्रीनगर अस्पताल च रैफर कर दिया गया। ये घर का नंबर है। गवर्नर सतपाल मलिक होरें शोपईयां सड़क हादसे पर बसोस प्रकट किया है। अपने सोगी स्नेह च गवर्नर होरें हादसे च मारे गए लोगों की आत्मा की शांति लिए प्रार्थना की ते उनके परिवार वाले कन्ने संवेदना जताई। कन्ने गए गवर्नर होरें हादसे च मरने वाले के नेड़में संबंधियों लिए 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। राज्यपाल होरें जख्मी के तौले नरोए होने की कामना करते हुए प्रशासन के निर्देश दिए जो उन्हें बेहतर सेहत सहूलत उपलब्ध करवाण। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज बड़ला चनैनी कोल चंपैड़ी थार पर एक सड़क हादसे च 2 युवकों की मौत हो गई। वह एक ग्रिफ के टिप्पर हेठ आई गए। दमें जने आपसी रिश्ते च मामा अपने आए। पुलिस ने इस मामले च FIR दर्ज करिए चालक की हिरासत च ले लैता है। जम्मू पुंछ सड़क पर जम्मू थमां रजौरी जा रही एक कार नौशहरा पुल परा नाले च डिगी पई जिहदे च 2 जने गंभीर रूप च जख्मी हो गए। घायल होए दे दोनों जने की नौशहरा के उप जिला अस्पताल च दाखिल किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होरें अज श्रीनगर च काला सतह की बैठक दौरान रियासता च कानून व्यवस्था ते सुरक्षा हालात का जायजा लिया। बैठक च गवर्नर सत्यपाल मलिक गृह सचिव राजीव गोबा सुरक्षा खुफिया ते प्रशासनिक विभागें दे सीनियर अधिकारी मौजूद हे। गृहमंत्री होरें रियासत च चला दियां बख-बख विकास योजनाएं की समीक्षा की। इहदे शा पहले अमित शाह होरें अज श्रीनगर च इंस्पैक्टर शहीद अरशद खान हुंदे घर जाइए उनके परिवारों ने संवेदना जताई। अनंतनाग च तैनात SSO अरशद खान इस महीने की 12 तरीक की एक आतंकी हमले च जख्मी हो गए हैं। मगरा दिल्ली के एम्स अस्पताल च जख्मे की ताव नहीं संदे हुई उनका काल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हुंदे कन्ने आपसी हितें ते विषय पर चर्चा की। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री होरें आख्या जे इस बरे भारत च होने वाले शिखर सम्मेलन च ओ प्रधानमंत्री आबे हुंदे दौरे का इंतजार च न। मगरा पत्रकारें अगे बोलदे हुए विदेश सचिव विजय गोखले होरें आख्या जे भारत ते जापान की अज दोनों मुल्कों विचकार राजनीतिक रिश्ते की होर मता बधाने पर सहमति बनी है। विदेश सचिव होरें आख्या जे दोनों नेताएं भारत जापान रिश्ते के बख-बख पहलुओं पर सोच विचार किया। That the Prime Minister of Japan hoped that he would get the understanding and support of the G20 members, including that of India. He spoke about the importance of focusing on the global economy. He referred specifically to Prime Minister's initiative at earlier G20 meetings on the issue of fugitive economic offenders, and he said that the G20 should deal with this problem
as part of its anti-corruption measures. The Prime Minister of Japan also referred to the need to find appropriate situations for global trade and data flows. डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर मुश्ताक अहमद होरें बैक टू विलेज प्रोग्राम तहत जिला कठुआ के ब्लाक कीड़ियां गंडियाल की करदो पंचायत का दौरा लाया तो उत्थे दे बसनीकें की आवारदे पीने दे पानी सिंचाई दे कन्नो कन्नी होर मुश्किलें का जायजा लिता ते लोकें थमां भी उनकी मुश्किलें बारे सुनिया। उन्हें लोकें की भरोसा दवाया जे उनकी मंगें की संबंधित अधिकारियों तक जरूर पहुंचाया जाग। सरकार की तरफ से एक ये पहली बार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम शुरू हुआ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे गांव में हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार को भी पता नहीं चलती है। अगर बहुत सारी स्कीम्स हैं रूरल डेवलपमेंट की और बाकी और महकमों की भी बड़ी स्कीम्स जो हैं लागू की गई हैं, उनका फीडबैक भी सरकार को चाहिए। हमने मिलके एक चीज़ करनी है कि डॉक्टर को बतानी है हमारी समस्याएं क्या क्या है। वो स्कूल की है, हॉस्पिटल की है, डिस्पेंसरी की है, एनिमल हस्बेंड्री की है, पानी की है। पानी की बड़ी ज़बरदस्त समस्या है गढ़ों में। अभी हमने प्राइमरी स्कूल भी देखा और फिर आंगनवाड़ी सेंटर भी देखा। आंगनवाड़ी सेंटर की फंक्शनिंग अच्छी है, उन्होंने अच्छा मेंटेन किया है। यहाँ पर हेल्थ सेंटर कोई नहीं है, हॉस्पिटल कोई नहीं है, वो एक इनकी जो है ग्रीवियंस है। बाकी पीएचई का भी एक रिजर्वायर है पुराना, वो देखा है अभी, उसको रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए मांग रहे हैं, हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो आई राजौरी च भी बैक टू विलेज कार्यक्रम आज समाप्त हो गया। डिप्टी कमिश्नर एक्साइज डिपार्टमेंट अमरजीत सिंह होरें मुरादपुर पंचायत का दौरा लाया तो बख-बख विकास कमें का उद्घाटन किया। डोगरी खबरें कन्नै गलबात करते हुए उन्हें आख्या जे लोकें दियां मंगां जायज न ते उन्हेंगी उच्च अधिकारियों सामने पेश किया जाग। कलवटें भी जो है नरेगा की स्कीम में बनी है, पक्के पार टाइल वर्क बहुत अच्छे। बैक टू विलेज कार्यक्रम के खीरी दिहाड़े पुंछ दीयां 62 पंचायतों च ग्राम सभाएं का आयोजन किया गया। इन्दे च नियुक्त किए गए अधिकारियों लोगों की समस्याएं की सुनिया तो उन्हें संबंधित अधिकारियों सामने नबेड़े लिए रखने का भरोसा दवाया। स्कूलों के लिए एक जैसे पैसे आ गए, किसी जगह स्कूलों की ज्यादा जरूरत है, किसी जगह जरूरत ही नहीं है। तो सरकार की ये कोशिश है कि प्लानिंग उस तरह से हो जिस गांव में जो चीज जरूरत है वही दी जाए। केंद्रीय सरकार पूरे देश च प्रधानमंत्री डायलिसिस सेंटर शुरू करन जा रही है। इसके तहत पुंछ दे राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल च नया सेंटर बनिए तैयार हो गया है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शमीम भट्टी होरें गलबात करते हुए आख्या जे हुण लोकें गी डायलिसिस लई जिले थमां बाहर जां फिर प्राइवेट अस्पतालें च जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें दस्सिया जे इन्हें केंद्रें च उन्हें लोकें का मुफ्त इलाज होग जिहड़े महंगे इलाज का खर्चा नहीं चुकी सकदे न। हमारा प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो यहाँ पे डायलिसिस का हमारा स्टेटस है वो ये है, अभी तक कि हमारी मशीन्स वगैरह इंस्टॉल हो चुकी हैं, हमारा आरओ इंस्टॉल हो चुका है और हमारा जो वाटर सैंपल्स हैं उसके आरओ के वो भी जा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी विद इन 2-3 डेज आ जाएगी हमारे यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये पे इसका डायलिसिस का जो है वो गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, जो यहाँ से जम्मू या रजौरी या अपने कश्मीर वगैरह जाते थे कराने के लिए डायलिसिस, अब उनको इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ हमारे पुंछ में भी डायलिसिस करवा सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा बेनिफिट ये है कि जो जितने भी बीपीएल पेशेंट्स होंगे उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा जो हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो अंडर केसेस आते हैं, जैसे वो गोल्डन केसेस कार्ड के केसेस होते हैं, उनका भी ये जो है हम लोग यहाँ पर फ्री करेंगे और गरीब आवाम को इससे।
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के सिलसिले च जिला अस्पताल किश्तवाड़ आसिया किश्तवाड़ के सरकारी डिग्री कॉलेज एक भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। किश्तवाड़ के जिला विकास कमिश्नर अंगेज सिंह राणा और इस मौके पर मुख्य परौने हैं। किट्ठा की संबोधित करते हुए उन्हें समाज के विद्यार्थियों के माता पिता की अपील की जो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखन। SSP किश्तवाड़ शक्ति कुमार पाठक होरें इस कार्यक्रम की सदारत की अपने भाषण च आख्या जे अस युवाएं की नशे के चंगुल फसने थमां बचाई सकने आ। कि इस तरह की कैपेसिटी उन्हीं के पास हो सकती है जो ड्रग एडिक्ट नहीं होते हैं, और आप में से कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, ये मुझे खुशी है। जिला डोडा च खलैणी के ट्रामा अस्पताल च SSB की 7वीं बटालीयन आसिया एक स्वच्छता मुहिम चलाई गई। बटालीयन के असिस्टेंट कमांडेंट जगदीश राम भट्ट के अस्पताल के डॉक्टर फहीम हुंदी अध्यक्षता च गौरमेंट हाई स्कूल के विद्यार्थियों अध्यापकें अस्पताल परिसर से उसके आले दुआले उगे दे फीम ते भंग के बूटे की नष्ट करिए परिसर की सफाई की। मुकामी लोगों SSB आसिया पुट्टी गई इस गैं की सराहना की। तो इस उपलक्ष्य में हम छोटे छोटे कार्यक्रम सिविक एक्शन जैसे कार्य करते रहते हैं और लोगों को इससे जो है जागरूक करते रहते हैं। तो यहाँ आए दिन देखा हमने कि लोग यहाँ भंग की बहुत बड़ी खेती थी, उसको आज हमने डिस्ट्रॉय किया, तो यहाँ पे भंग का इस्तेमाल करते थे, तो आज हमने इससे मुक्ति दिलाई यहाँ के आवाम को। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना तहत न सिर्फ शहरों की कायाकल्प हो रही है सगुआ नागरिकों के जीवन स्तर च भी सुधार हुआ है। इस तहत उधमपुर के बड़ोला इलाके च भी नेक बेघर लोगों की पक्के मकान थोए हैं। लाभार्थियों सरकार की इस योजना लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदा धन्यवाद किया। और बाहर बैठ कर जो हम पढ़ाई करते थे, कभी बारिश का मौसम होता है, कभी कुछ आधी आधी रातें बाहर काटी हैं, भी अच्छा लगता है। सब भी जैसे अंदर सोते हैं हम भी। ये है, पहले हमारे पास मकान नहीं था, रहने के लिए बहुत परेशानी थी। किसी के घर में जाते थे, एक दूसरे को बोली लगाते थे, बोलते हैं आपके लिए कुछ नहीं बनाया है, और रात बारिश में रहते थे। तो अब थोड़े हमें मोदी के नाम से पैसा मिला तो हम इसमें रहेंगे। GRS हूँ मैं, पंचायत बड़ोला की। ये जो हमारा बड़ोला में PMAY हाउस कंप्लीट हुआ है, ये 2017-18 का है। इसकी कॉस्ट है 1,30,000। तो ये कंप्लीट हो गया, अब ये घर इनको टाइमली इंस्टॉलमेंट मिलती गई। उत्थे गया रामबन च भी मते सारे बेघर लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना तहत पक्के घर मुहैया कराए जा रहे हैं। इस योजना तहत बटोत के बूनबाड़ी ग्रां च भी लाभार्थियों की पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। लोगों इहदे लई सरकार ते खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदा धन्यवाद किया। पहले पुराने मकान में रहते थे, कच्चा मकान था हमारे पास, इसमें हमें बहुत दिक्कत थी। अब हमें सरकार की तरफ से 1,60,000 रुपये मिला है, अच्छी स्कीम है ये। हमें भाई की तरफ से मिली है हमें 12,500 रुपया बाथरूम का भी मिला। बाबा दलीप सिंह उनकी पवित्र दरगाह पर आज वार्षिक मेला लग्या जिहड़ा बाबा चमलियाल के नाँ कन्ने मशहूर है। यह पवित्र दरगाह सांबा जिले के रामगढ़ सैक्टर च अंतरराष्ट्रीय बन्ने कोल चमलियाल चौकी कोल स्थित है। जिला विकास कमिश्नर सांबा सुषमा चौहान होरें इस मौके पर बाबा दलीप सिंह मनहास हुंदी दरगाह पर चादर चाढ़ी ते समाज गीते शांति भाईचारे ते विकास की दुआ की। SDM विजयपुर ते तहसीलदार रामगढ़ भी इस मौके पर उनके कन्ने हे। एह्दे कन्ने गै डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त करने की अनुमति दिओ। नमस्कार।